लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। प्रेगनेंसी से संबंधित ऐसी कई बातें होती हैं जो कपल्स को पता नहीं होती है, इस कारण वे शारीरिक समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। लेकिन आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले इससे संबंधित सवालों का जवाब जान लें तो ये सफ़र आसान बन सकता है। प्रेगनेंसी के 9 माह बेहद नाजुक होते हैं। इस दौरान जरा सी लापरवाही के कारण जान की जोखिम हो सकता है। ऐसे में आप सेफ प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप ध्यान से वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। ओपीडी में आने वाले 60% महिलाएं ऐसी होती हैं जो पहले से ही किसी बीमारी का शिकार हैं और देरी के कारण उनका इलाज देरी के कारण उनका इलाज बमुश्किल होने के साथ साथ लंबा हो जाता है। अगर समय पर आप इलाज कराएंगी तो प्रक्रिया आसान हो जाती है। कुछ ऐसे सवालों के जवाब आपको जानने जरूरी हैं। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपको पूरी जानकारी होना चाहिए कि किस महीने क्या करना है, आपको कितना ख्याल रखना है, कैसे ख्याल रखना है। इट इज़ तो सबसे पहले है, प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले कौन सी जांच की जाती है। प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो डॉक्टर कुछ ज़रूरी चेकअप कर सकते हैं, जैसे वजन की जांच की जाती है। आपका वजन प्रेगनेंसी के समय जरूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। महिलाओं में बॉडी मास इंडेक्स 18.5 और 22.9 के बीच होना चाहिए, मतलब 18.5 से लेकर के 22.9 तक आपका BMI होना चाहिए। इसके अलावा थायराइड, BP और ब्लड शुगर की जांच की जाती है। इसके अलावा सिफिलिस, HIV, हेपेटाइटिस बी जैसे STD बीमारियों के लिए डॉक्टर PAP जांच भी करते हैं। शरीर में आयरन की मात्रा देखने के लिए CBC जांच भी की जाती है। गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले दांत की जांच कराने की सलाह भी देते हैं। दूसरा हमारा जो हम आपको बता रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए, प्रेगनेंसी के लिए सही आयु क्या है। प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए महिला की नहीं बल्कि पुरुष की भी उम्र का पता लगाना भी जरूरी होता है। टेस्टोस्टेरोन का स्तर 40 वर्ष की आयु के बाद गिरने लगता है। इसका मतलब है कि 40 की उम्र के बाद प्रेगनेंसी प्लान करने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। महिलाओं में 25 से 35 की उम्र प्रेगनेंसी के लिए ठीक मानी जाती है। 35 से ज़्यादा उम्र में प्रेगनेंसी प्लान करने में जोखिम हो सकता है। तीसरा, प्रेगनेंसी के लिए शरीर को कैसे तैयार करें। हेल्दी डाइट का सेवन करें, संतुलित भोजन खाएं, अनहेल्दी कार्ब्स और सैचुरेटेड फैट्स का सेवन ना करें। अपनी डाइट में कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन सी आदि को शामिल करें। शरीर के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। प्रेगनेंसी के लिए शरीर को तैयार करना है तो रोजाना कम से कम 40 मिनट एक्सरसाइज करें। डॉक्टर की सलाह पर फॉलिक एसिड सेवन करें। धूम्रपान, शराब और नशीले पदार्थों से दूर रहें। तनाव मुक्त रहने के लिए नींद पूरी करें। हर दिन 7 से 8 घंटा पूरी नींद लें तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। चौथा है, कंसीव करने में मुश्किल क्यों हो रही है। प्रेगनेंसी प्लान करने में कुछ महिलाओं को दिक्कत हो सकती है, जिसके कारण हो सकते हैं जिन महिलाओं को PCOS होता है उन्हें कंसीव करने में मुश्किल हो सकती है। एग काउंट कम होने के कारण कंसीव करने में समस्या हो सकती है। पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या कम होने के कारण भी कंसीव करने में समस्या हो सकती है। कैंसर के उपचार के दौरान भी कंसीव करने में समस्या हो सकती है। आनुवंशिक स्थितियों के कारण
पुरुषों में बांझपन की समस्या हो सकती है। पांचवा है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने पर क्या करें। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने का मतलब है कि आप गर्भवती हैं। ज़्यादातर महिलाएं आजकल प्रेगनेंसी किट की मदद से घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं। अगर उसका परिणाम सकारात्मक है तो डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लेकर के शेड्यूल करें। डॉक्टर प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड करेंगे ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या आप वाकई प्रेगनेंसी के स्टेज पर आ चुकी हैं या नहीं। अगर अल्ट्रासाउंड का परिणाम भी पॉजिटिव आता है तो डॉक्टर आपको कुछ अन्य टेस्ट, जो टेस्ट जरूरी हैं, वो देगा और सप्लीमेंट खाने की सलाह दे सकते हैं। कुछ सामान्य चेकअप के जरिए ये पता लगाया जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है या नहीं। इसी वजह से डाइट और एक्सरसाइज पर फोकस शुरू कर दें। तो ये था हमारा आज का वीडियो आपके लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। कुछ आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपके हर प्रश्न का जवाब देने का। और चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।